मैं मिथिलेश पांडे, डायरेक्टर बोलो। गेम एंड ज्वेलरी इफ्सो प्रमोशन काउंट, हमारी कलीग मिनाली इले, श्री महेश भोई, हम सभी जीजेपीसी की तरफ से आप सभी सदस्यों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस वेबिनार का उद्देश्य, कृपया आप साइलेंट पे रहें। इस वेबिनार का उद्देश्य आप सबको जेम एंड ज्वेली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा तमाम ऐसी सुविधाएं जो मेंबर्स को दी जाती है और तमाम ऐसी सुविधाएं जो जेम एंड ज्वेली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने नॉन मेंबर्स के लिए प्रारंभ करी है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना। इसके अतिरिक्त हमारा उद्देश्य इस सेमिनार के द्वारा यह है कि भारत सरकार एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा रिसेंटली जो भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिस तरह से उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन को अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उस प्रोसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान करना और उस प्रोसेस को कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देना, तथा एक बार आप अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, एक बार जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप भारत सरकार के तमाम स्कीम्स का फायदा कैसे ले सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना है। तो मित्रों, ये पूरा सेशन हमारा 1 घंटे का होगा। मेरा है पीछे। अरे लेकिन मेरा म्यूट तो करके, ये तो देखिए ना, आप लोग म्यूट हो जाइए, बात करते वक्त आप म्यूट पे रहिए। तो आप सभी से, आप सबके सामने आप लोगों को जो आज हम जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप जीजेईपीसी की बेनिफिट्स तथा एमएसएमई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की जो बेनिफिट्स है उसके बारे में जानकारी, इसको कैसे आप ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी, और इस सत्र के दौरान जो भी आपके प्रश्न आपके मन में पैदा होंगे उन प्रश्नों का उत्तर हम अपने प्रेजेंटेशन के बाद में, क्योंकि प्रेजेंटेशन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में हम जीजेपीसी की जो बेनिफिट्स बता रहे हैं, उसके बाद में हम आपको कुछ समय देंगे जिसमें आप अपने प्रश्न यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर देने का हम आपको प्रयास करेंगे। कृष्णा सर, दोस्तों आप म्यूट रखिए अपने आप को। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जेम एंड ज्वेली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का विजन और मिशन जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, हमारा विजन है कि भारत को क्वालिटी से भरा हुआ, क्वालिटी युक्त ज्वेलरी का पसंदीदा स्थल बनाना, कि लोगों की पसंद यह हो कि अगर ज्वेलरी सोर्स करना है तो वो भारत की तरफ आए और अपने ज्वेलरी को सोर्स कर सके, आपसे ज्वेलरी खरीद सके। यह डीजेईपीसी का विजन है। हमारा मिशन है कि ऐसे सारे लोग जो जेम एंड ज्वेलरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे व्यक्तियों को उनका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को 100% उपयोग कर सकें, अपने व्यापार को बढ़ा सके, उसमें जिस भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो उस सहायता को हम प्रदान करके उनको क्षमता हासिल कराएं, जिससे वो अपना 100% पोटेंशियल का उपयोग कर सके अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। मित्रों, आपके कारीगरों के लिए जो सीधे आपके कर्मचारी हैं, जो कंपनी में आपके फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए, तथा आपके जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं जिनको आप जॉब वर्क करवाते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल एक परिचय कार्ड की स्कीम लॉन्च की है कुछ समय पहले से। मित्रों एक सेकंड के लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। मित्रों,
तो आपको मैंने दर्शन के बारे में बताया, मैं क्षमा चाहता हूं कि एक मिनट के लिए थोड़ा इंटरप्शन की वजह से मुझे रुकना पड़ा था। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ सुन रहे हैं आवाज। ओके ओके, ये स्लाइड एग्जैक्टली मूव नहीं हो रही है, एक सेकेंड ना मैं देखता हूँ स्क्रीन में कुछ दिक्कतें आ रही है, एक सेकेंड ना। मित्रों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था परिचय कार्ड, थोड़ा नेट की वजह से थोड़े समय के लिए मैं ब्रेक हो गया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिचय कार्ड आपके फैक्ट्री में आपके सभी कर्मचारी ऐसे जो कारीगरी का काम करते हैं उनके लिए बनाया जाता है, प्लस आपके जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भी हम परिचय कार्ड बना रहे हैं। इस परिचय कार्ड का दो इंपॉर्टेंट जो पहलू है मैं आपसे भी चर्चा करूंगा, जो उनके सिक्योरिटी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए और उनके स्किल मैपिंग को दृष्टिगत रखते हुए ये परिचय कार्ड आपके लिए काफी लाभप्रद है। परिचय कार्ड आपको मुफ्त में दिया जाता है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। अभी तक परिचय कार्ड के प्रोसेस को हम मैनुअल प्रोसेस से रन कर रहे थे, मैनुअल फॉर्म्स भरवा रहे थे, और फॉर्म्स भरने के बाद में जब उनके फॉर्म्स लोगों के हमारे पास में आते थे तो एजेंसी के माध्यम से हम कार्ड का निर्माण करके उनके पास से भेजते थे। लेकिन जल्द ही हमारा लक्ष्य है कि 1 सितंबर तक इस परिचय कार्ड बनाने की मुहिम को हम पूरा ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो परिचय कार्ड आप अपने ऑफिस से बैठ करके अपने लैपटॉप मोबाइल या किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। परिचय कार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसको कोई एसोसिएशन या तो आइडेंटिफाई करे या ऐसा कोई जेमेन ज्वेलरी काउंसिल का मेंबर आइडेंटिफाई करे कि ये जेमेन ज्वेलरी सेक्टर में काम करने वाला कारीगर है। तो दोस्तों, कारीगर का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है और उसके दो ही पॉइंट्स हैं कि या तो उसको कोई काउंसिल का मेंबर सर्टिफाई करे कि ये कारीगर है या कोई एसोसिएशन कहे कि ये कारीगर है, तो काउंसिल बिना किसी अन्य वेरिफिकेशन का उन्हें हम परिचय कार्ड इशू कर देते हैं। इस परिचय कार्ड की जो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। परिचय कार्ड के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर आपका दिया गया है और उसके ऊपर एक मोबाइल नंबर दिया गया है। हम सब जानते हैं मुंबई शहर में ऐसी तमाम कठिनाइयां कारीगरों के साथ में आती रही हैं, भविष्य में हमने देखा है, तमाम हमको इस तरह के फीडबैक्स मिले थे कि जब कारीगर कहीं काम से लौट रहे होते थे कोई भी सरकारी एजेंसी के लोग उनके परिचय को पूछते थे, उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था, तमाम कठिनाइयों को झेलनी पड़ती थी। लेकिन इस परिचय कार्ड के ऊपर जो मोबाइल नंबर दिया गया है, अगर जो भी सरकारी एजेंसी पुलिस डिपार्टमेंट का हो या किसी अन्य विभाग का आदमी हो उसे आप कार्ड बताइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इस कार्ड के ऊपर हमारा आइडेंटिटी कार्ड नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर पर आप SMS कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी हमारे बारे में आ जाएगी। जिस वक्त आप ट्रेवल कर रहे होते हैं आपके हाथ में कोई जोखिम होता है उस वक्त जरूरी होता है कि आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो और आप किसी प्रकार से कहीं ऐसी जगह पर रुका नहीं लिए जाएं जिससे कि आपका जानमान की हानि के चांसेस हो, नुकसान के चांसेस हो। तो मित्रों, जैसे ही वो व्यक्ति उस यूनिक नंबर पे SMS करेगा तत्काल ही उसके पास में सिस्टम जनरेटेड एक SMS आ जाता है और उस SMS में आपने परिचय कार्ड फिलअप करने के दौरान जो भी जानकारी अपने बारे में दी थी और एक प्रमाणित उसके पास से मैसेज होता है कि यह कारीगर है, जेमेन ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करता है, अगर इसके पास में कोई जोखिम या किसी प्रकार की गोल्ड सिल्वर या कोई मेटल मिलता है तो यह कहीं ना कहीं जेमेन ज्वेलरी सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति का है, तो प्राइमा फेसी जो उसके दिमाग में या पुलिस विभाग के किसी व्यक्ति के दिमाग में बात आती है कि मैंने किसी अपराधी को पकड़ा है तो वह उस अपराध के बोझ से बाहर हो जाता है और आप एक संकट की घड़ी से उस तक बच सकते हैं। उसी समय जिस वक्त आपको SMS उस पर्टिकुलर अधिकारी के पास में आएगा
सेम एसएमएस उसी दौरान आपके जिस एसोसिएशन से आप जुड़े हैं उसके पास में, नहीं तो जिस कंपनी से आप जुड़े हैं उनके पास में चले जाता है, जिससे टू वे एसएमएस गेटवे की फैसिलिटी के कारण ये मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है आपके मालिक के पास में या आपके एसोसिएशन के पास में और उस पर्टिकुलर अधिकारी के पास में, तो आपको तत्काल राहत भी पहुंचाई जा सकती है और आप कठिनाई से बच सकते हैं। मित्रों, इस परिचय कार्ड होल्डर्स को, जिनके पास भी ये परिचय कार्ड है, ऐसे सभी परिचय कार्ड होल्डर्स अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, किसी शॉप से हैं, किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर कि ऐसे संस्थान में काम करते हैं जहां पर कि जो जेमेन जल्दी काउंसिल का मेंबर नहीं है, तो ऐसे दैनिक मजदूरी के कारीगर जो किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है, ऐसे सभी कारीगरों के लिए जेमेन ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल ने स्वास्थ्य कोष की स्कीम लॉन्च करी है। इस स्वास्थ्य कोष की स्कीम का एक फायदा है कि यह मेडिक्लेम की कैशलेस स्कीम है और इस कैशलेस स्कीम में 18 साल से लेकर 80 साल के किसी भी व्यक्ति को कवर किया जा सकता है और जिस भी व्यक्ति को स्वास्थ्य कोष दिया जाता है उस व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। उसकी कोई भी एग्जिस्टिंग बीमारी है तो जिस दिन से वह इस कोर्स का मेंबर बन जाता है उसी दिन से वो बीमारी उसकी कवर हो जाती है। इस स्वास्थ्य कोर्स के अंतर्गत, इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत मैटरनिटी बेनिफिट्स, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स, कोई भी बीमारी है तो उसके बेनिफिट्स और आज का जो सबसे कठिन जिस दौर से पूरा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, कोविड जैसी बीमारी भी इस पर्टिकुलर स्कीम में कवर है। तो मित्रों, इस स्वास्थ्य कोष को प्राप्त करने की जो प्राइमरी कंडीशन है वो यही है कि जो भी व्यक्ति परिचय कार्ड होल्डर होगा, जिसके पास से परिचय कार्ड होंगे, वही स्वास्थ्य कोष का फायदा ले सकता है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बेनिफिट्स को अपने कर्मचारियों के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए निश्चित तौर पे अवेल करें। इसका प्रीमियम 1,00,000 रुपए के लिए मात्र 1,350 रुपए है और 1,350 रुपए में से 75% जेमेन ज्वेलरी काउंसिल कंट्रीब्यूट करती है और मात्र आपको 350 रुपए भर के वह कारीगर तमाम तरह की कठिनाइयों से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। अगर आप चाहें तो यह हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप स्वयं के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने दो बच्चों तक के लिए ले सकते हैं। मित्रों, इसके लिए भी जो प्रीमियम है आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा 2,500 रुपए का है और इसमें 75% काउंसिल कंट्रीब्यूट करती है, मात्र आपको 25% कंट्रीब्यूशन देना होता है जो कि 550 रुपए होता है। तो हमारा आप सबसे विनती है, आप सबसे प्रार्थना है कि परिचय कार्ड बनवाएं और जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो डीजेईपीसी ने आपके लिए लॉन्च करी है उसका आप फायदा लें। मित्रों, जो जेमेन ज्वेलरी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो सालों साल से काउंसिल से जुड़े हुए हैं, ऐसे बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां जिनके पास में हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी एक पॉलिसी है जिसको स्वास्थ्य रत्ना पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। यह पॉलिसी लगभग 5 सालों से फंक्शनल है और इसमें भी जितनी भी बेनिफिट्स मैंने बताया स्वास्थ्य कोष के लिए, वो सारे बेनिफिट्स इसमें भी कवर हैं। इसमें कोई एज का बंधन नहीं है, 18 साल से 80 साल तक का कोई भी कारीगर इसमें कवर हो सकता है, कोई भी इम्प्लाई कवर हो सकता है। किसी भी कंपनी के किसी भी इम्प्लाई को अगर कंपनी चाहती है कवर करने के लिए तो इस स्वास्थ्य रत्ना पॉलिसी के अंतर्गत कवर कर सकती है। स्वास्थ्य रत्ना पॉलिसी के लिए आपको किसी प्रकार के परिचय कार्ड या अन्य चीजों की जरूरत नहीं है, ये कंपनी की अपनी पॉलिसी है और इस पॉलिसी के अंतर्गत 18 साल से 80 साल तक का कोई व्यक्ति कवर होगा। इसमें भी सारी बेनिफिट्स, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है तो वो भी उसमें कवर हो जाती है, आपका प्रेजेंट जो बीमारी कोविड चल रहा है वो भी उसमें कवर है। तो ये सारी चीजें जो है स्वास्थ्य रत्ना पॉलिसी में कवर है, लेकिन स्वास्थ्य रत्ना पॉलिसी केवल जीजेईपीसी के मेंबर्स के लिए है, उनके कर्मचारियों के लिए है। जो जीजेईपीसी के मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स फॉर्म्स हैं,
वो अपने कर्मचारियों के लिए इस स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी का ले सकते हैं और इसमें काउंसिल 25% खाली कंट्रीब्यूट करती है। मित्रों, इस पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अब तक इस पॉलिसी के अंतर्गत 6 लाख लोग कवर हो चुके हैं, 2 लाख परिवार इसमें कवर हैं, जीजेईपीसी के 800 मेंबर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए इस पॉलिसी को ली है। अभी तक काउंसिल ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में, जो 25% हमें देना होता है, 2.5 करोड़ रुपए हमने अपने मेंबर्स फर्म्स के कर्मचारियों के लिए कंट्रीब्यूट किया है और अब तक का जो रेशियो आपको दिखाई पड़ रहा है, करीब 130 करोड़ का क्लेम इस पॉलिसी के अंतर्गत लोगों को मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यह पॉलिसी किस तरह से आपके लिए, आपके कर्मचारियों के लिए, आपके संस्थान में काम करने वाले कारीगरों के लिए कितनी लाभप्रद है। और चूंकि ये काउंसिल की मेंबर्स के लिए ही है, तो मैं जो भी मेंबर्स यहां पे जुड़े हुए हैं या जो प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, जो फ्यूचर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर आप अपने कर्मचारियों को कवर करवाते हैं तो आने वाले समय में आपके ऊपर उनका जो हेल्थ रिलेटेड जो बर्डन है वो काफी कम होगा। इस पॉलिसी में एक आपको चांस दिया गया है, आप 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का भी कोई भी स्कीम के लिए जा सकते हैं। अलग अलग स्कीम्स हैं, अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप हमारे कॉल सेंटर्स, अभी मैं आगे आपको कॉल सेंटर के बारे में बताऊंगा, वहां सारे नंबर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, उसके द्वारा आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमको अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं सीधे आपको अपनी उस स्लाइड पे आ रहा हूं कि आप काउंसिल से कैसे अप्रोच करें। दोस्तों, आज आप पूरे दिन एंड्रॉइड फोन के द्वारा तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस यहां से वहां पासान करते रहते हैं, तमाम तरह के संदेशों का आदान प्रदान करते रहते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि चूंकि आप जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के व्यवसाय में हैं, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने मोबाइल में जीजेईपीसी मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आप प्ले स्टोर में जाएं, जीजेईपीसी मोबाइल ऐप आप लिखें, 5 मिनट के अंदर आपको मोबाइल ऐप आपके स्क्रीन में डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इस मोबाइल ऐप की खासियत यह है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं, चाहे डीजीएफटी से रिलेटेड सर्कुलर हो, चाहे आईआईजीएस शो जो हमारा एक बिगेस्ट शो है उससे रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, आईआईजीएस सिग्नेचर से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, या काउंसिल की जो तमाम एक्टिविटीज हर दिन जो हम नए नए चीजों को कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, ऐसी सारी जानकारी मोबाइल ऐप पे हर समय अपलोड होती रहती है। उसका अलर्ट आपको आता रहता है, जैसे व्हाट्सएप पे आपको अलर्ट आते हैं, ऐसे हमारे मोबाइल ऐप पे आपको अलर्ट आते रहता है और आप अपनी जरूरत की चीजों को वहां तत्काल देख सकते हैं। आपको अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह मोबाइल ऐप्स के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे। दोस्तों, ये मोबाइल ऐप आपके लिए काफी लाभप्रद है और ये फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा सभी लोगों से, जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, उनसे आग्रह है कि इस मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करें और काउंसिल रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हैं, आप मोबाइल ऐप्स के द्वारा काउंसिल की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और भी जो काउंसिल की एक्टिविटीज है उसके तमाम तरह की जानकारी आपको इस मोबाइल ऐप्स के द्वारा मिलेगी। क्योंकि हमारे पास में जो प्रोग्राम की जो समय सीमा है मात्र 1 घंटे की है, तो मैं बहुत डिटेल मोबाइल ऐप्स के बारे में न जाते हुए बस इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्ले स्टोर में जाएं, जीजेईपीसी मोबाइल ऐप टाइप करें और इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। निश्चित तौर पे इसका आपको लाभ मिलेगा, आप अपडेटेड होंगे, आपके पास में अद्यतन जानकारियां मिलेगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगे, चाहे बैंकिंग रिलेटेड हो, चाहे डीजीएफटी रिलेटेड हो, चाहे मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, हर इन्फॉर्मेशन आपको इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आपके पास से पहुंचता रहेगा। मित्रों, हमने आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि आप अगर आप कॉल करके ही इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आपको लिखाई और कोई इस तरह की चीजों में अगर रुचि नहीं है, तो आप काउंसिल द्वारा सेट किया गया हेल्प डेस्क हमारा मंडे टू सैटरडे ऑफिस आवर्स में वर्किंग है। आपको स्क्रीन पे हमारा टोल फ्री नंबर दिखाई पड़ रहा है, 1800 103 435।
मित्रों मैं चाहूंगा कि इस नंबर को आप नोट कर लें, आपकी किसी भी तरह की कठिनाई के लिए कोई भी आपके प्रश्न हो आप इस हेल्प डेस्क पे कॉल करें, अपना टिकट जनरेट करें और अपनी क्वेरी आप रेज कर दें। आप वेब के थ्रू भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, आप हेल्प डेस्क के माध्यम से भी अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम आपको 3 दिन के अंदर जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर आपके पास में निश्चित तौर पे आएगा। तो कभी हमने ऐसा भी देखा है कि आप पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं और दिन भर समय बीत जाने के बाद आपको किसी क्वेरी को पूछना होता है, आप उस वक्त भूल चुके होते हैं। अचानक आप जब घर ऑफिस से घर के लिए रवाना होते हैं तब आपको ध्यान में आता है, लेट इवनिंग में 7 बजे 8 बजे हेलो चालू करो अभी आपका माय हो गया साउथ का। शेयर। हाँ पांडे का हो गया लगता है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम। पांडे का हो गया लगता है। हो गया ओके पांडे इज नॉट देयर नाउ नगा हो गया लगता है। नेट का इश्यू लगता है, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। हाँ विशाल स्टार्ट करो। हाँ एक
मान लीजिए कि आपका हो गया था सेशन, क्या हो रहा है, नेट का इश्यू है, मुझे लगता है। हाँ यहाँ पे नेट का इशू है। एनीवे आई विल कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन, जब तक सर नहीं आते हैं। सर आ गए हैं, सर आ गए हैं, लेकिन उनका म्यूट पे है, पता नहीं क्या हो रहा है। तब तक कर रहे देखो स्क्रीन पे आ गया उनका, ठीक है, वो बाद में कैच ऑन करेंगे। तभी तक सर कैन यू हियर मी? पांडे इज देयर, पांडे का परमिशन है। ही अगेन द कनेक्शन इज लॉस्ट। एनीवे नॉट टेकिंग मोर टाइम ऑफ यू नो अटेंडेंस जो है वो ज्वाइन जब होंगे तो लाइक विल आस्क हिम टू कंटिन्यू। देयर इज सम प्रॉब्लम। सर सुनाई दे रहा है आपको? एनीवे सभी को नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच टू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग द सेमिनार एंड टेकिंग आउट द टाइम। बेसिकली सर जो है उनके यहाँ कुछ नेट का कनेक्शन प्रॉब्लम है एंड ही विल बी ज्वाइनिंग बैक, बट बिफोर दैट लेट मी कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन, बिकॉज आपका कीमती वक्त ना जाया करते हुए मैं प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करूंगी। दैट इज फॉर रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम्स लॉन्च की है और नया जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ये नोटिफिकेशन के द्वारा हम लोगों को नोटिफाई किया है, जो कि जिसके भी सर्कुलर्स हमने भेजे भी है आप सबको और इंटीमेट भी किया है कि क्या क्या यू नो क्लासिफिकेशन है। फिर भी अभी इस सेमिनार में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया है एमएसएमई का क्लासिफिकेशन है, कौन से बेसिस पे है और उसके क्या लाभ है हमारे जो एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो बेसिकली ये जो है रिवाइज्ड क्राइटेरिया जो है गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है वो ऐसे है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को दोनों को उन्होंने क्लब किया है। पहले कैसे होता था कि दोनों सेग्रीगेटेड होते थे, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने कंपैरिजन डेटा दिखाया है दोनों का कि दोनों सेग्रीगेटेड होते थे कि डिफरेंट लेवल पे उनको आंखा जाता था, लेकिन अभी कैसे है कि दोनों को उन्होंने क्लब किया है। उससे बेनिफिट ऐसे होगा कि जो लाइक जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो या टर्नओवर हो, मैन्युफैक्चरर को क्राइटेरिया के क्राइटेरिया पे आखा जाएगा, द सेम लेवल विल बी फॉर द सर्विस सेक्टर आल्सो। सो द बेनिफिट्स आर आल्सो सेम फॉर बोथ ऑफ देम। इसके अलावा इसके ऊपर ये मैं बताना चाहूंगी कि जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का वो प्लांट एंड मशीनरी, पहले जो था वो प्लांट एंड मशीनरी पे था सिर्फ एक्सक्लूडिंग द लैंड वैल्यू, लेकिन अभी जो क्राइटेरिया है वो प्लांट एंड मशीनरी तो है ही पहले से, लेकिन एनुअल टर्नओवर भी ये इंक्लूड किया गया है इस नए क्राइटेरिया में। तो एमएसएमई के डेफिनेशन हम पाएंगे कि माइक्रो के लिए जो एमएसएमई का जो डेफिनेशन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो है तीन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो में ऐसा है कि अगर आप समझिए आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ के अंदर है और अगर आपका टर्नओवर जो है 5 करोड़ के अंदर है तो आप माइक्रो एमएसएमई कहलाओगे, नो मैटर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या फिर सर्विस सेक्टर में हो। सिमिलरली अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर है और अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर है तो आप स्मॉल एमएसएमई कहलाओगे, नो मैटर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो या सर्विस सेक्टर से हो। सिमिलरली मीडियम को देखा जाए तो मीडियम एमएसएमई वो कहलाएंगे जो मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस सेक्टर जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के अंदर है और टर्नओवर जिनका 250 करोड़ के अंदर है। तो ऐसा लाइक दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज गिवन एज अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। इन एडिशन क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि एक्सपोर्ट्स का जो टर्नओवर, यहाँ पे हम देखेंगे कि एनुअल टर्नओवर जो है वो मायने रखता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स का जो टर्नओवर होगा वो एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको कि देखिए अगर आपका टर्नओवर, टोटल टर्नओवर समझिए 500 करोड़ है, हाँ, एंड यहाँ पे क्या दिया गया है कि मैक्सिमम कैप गवर्नमेंट ने, सॉरी
मैक्सिमम कैप जो दिया गया है टर्नओवर का वो है 250 क्रॉस, तो 250 क्रॉस के ऊपर अगर 500 करोड़ हम बोलेंगे तो यू आर ऑटोमेटिकली आउट एज एन एमएसएमई, आप एमएसएमई के अंडर नहीं आओगे। लेकिन समझिए आपका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है 500 करोड़, ठीक है, एंड इफ योर एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 300 क्रॉस एंड इफ योर डोमेस्टिक टर्नओवर इज 200 क्रॉस, देन ऑटोमेटिकली अगर आपका जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर 300 करोड़ है तो ऑटोमेटिकली वो जो 300 करोड़ का जो टर्नओवर होगा वो नलिफाई होगा, निकाल दिया जाएगा, वो उसके ऊपर कोई आपको लाइक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं लगेगा। तो जो भी आखा जाएगा क्लासिफिकेशन के लिए वो जो है 200 करोड़ ही होगा। तो अगर 200 करोड़ से देखा जाए तो इट विल बी, यू विल बी अ माइक्रो मीडियम एमएसएमई, राइट? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट्स। सरकार ने ये चीज इसलिए की है क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स के लिए भी बढ़ावा देना चाहती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, और जो भी लाइक बेनिफिट्स है एक्सपोर्ट्स के, जो भी एमएसएमई स्कीम्स है वो अवेल करो। तो आगे चल के हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। दूसरी एक चीज के प्लांट एंड मशीनरी का जो ये है जो इन्वेस्टमेंट का जो कैप लगाया गया है वो एक्चुअली सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड है। मतलब देखिए मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन जल्दी से बता दूं क्योंकि ऑलरेडी टाइम इज आ, तो लाइक लेट मी डिस्क्राइब यू व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, जो नया रिवाइज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा 50 करोड़ का होगा। अगर 50 करोड़ का होगा तो आप एमएसएमई में आते हो। लेकिन पहले के क्राइटेरिया के हिसाब से ऐसा था कि अगर 10 करोड़ मैक्सिमम अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है तो आप एमएसएमई कहलाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने रेंज बढ़ा दी है, 50 करोड़ कर दिया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई इसमें जुड़ेंगे। तो ये एक अच्छी मुहिम शुरू की है, अच्छा चेंज किया है गवर्नमेंट ने कि इसका जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो भी बढ़ा दिया है। इवन ये जो है इनका जो डिस्टिंक्शन है, सेग्रीगेशन जो है दोनों को जो था वो भी मिटा दिया है डिफरेंस, तो दोनों को एक ही लेवल पे आकर जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो आगे चलते हुए हम देखेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है और उद्यम रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या है और वो कहाँ पे करना है रजिस्ट्रेशन एंड उसके बेनिफिट्स क्या है एंड उसके प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि नोटिफिकेशन आया था 26 जून को नोटिफिकेशन आया था ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का, काफी जो भी नॉर्म्स है वो भी उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो उस हिसाब से आई हैव ड्राफ्टेड सम ऑफ द यू नो स्टेप्स व्हिच हैज अ सिंपलीफाइड यू नो डिस्क्रिप्शन, जहां पे आप देखोगे कि किस तरह से कितनी आसानी से आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कौन से वेबसाइट पे जाना है और क्या लाभ है। तो पहले जो था आप सब जानते होंगे कि उद्योग आधार जो था ये पुराना रजिस्ट्रेशन था, ठीक है। तो अभी जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसके प्लेस पे उद्यम रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए, उद्योग आधार के लिए आप ये जो है यहाँ पे जो लिंक दिखाई दे रही है, यहाँ पे जाके आप उद्योग आधार रजिस्टर करते थे, सर्टिफिकेट आता था। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी है 31st of March 2021। तो 31st ऑफ मार्च के बाद ये वैलिड नहीं कहलाएगा। तो दो हो कि आपके पास उद्योग आधार है, आप एमएसएमई हो, फिर भी हम आपको एम्फसाइज करना चाहेंगे, आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपने आप को रजिस्टर करवाओ। और जिनके पास उद्योग आधार का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, नंबर है, उनको क्या करना है कि उद्यम जो वेबसाइट है, ये जो लिंक है, ये जो वेबसाइट है, यहाँ जाके आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड न्यूली रजिस्टर्ड, ऐसे आपको दो ये एरियाज दिखेंगे। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाके आपको उद्योग आधार का जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो डालना है, आपको ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है उनको लाइक उद्यम का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो नेक्स्ट जो आता है, जो नए जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए ऐसा है कि आप इस लिंक पे जाइए,
यहाँ पे जाके जब आप नए रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स में बता दूं कि आधार नंबर की जरूरत है, GSTN की जरूरत है एंड पैन की जरूरत है. यहाँ पे बेसिकली सारे जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपके पास अवेलेबल होगी. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगी. एंड इसकी इफेक्टिव डेट जो है ये शुरू हुआ है 1st of July 2020 से. तो ये जो है शुरू हुआ है, लोगों को सर्टिफिकेट्स भी आना शुरू हुए. तो आगे चलते हुए हम देखेंगे कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो टू गेट द MSME सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जाना होगा इस वेबसाइट पे. आधार वेरिफिकेशन आपको करना होगा, आपका आधार कार्ड डालना है नंबर, फिर नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर आपका जो नाम है वो डालना है, आपको OTP आएगी उसको, फिर वेरिफिकेशन होगा. जब उसका वेरिफिकेशन होगा, पैन वेरिफिकेशन के लिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, क्या हो, पब्लिक, जो भी है, लाइक जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे ऑप्शंस आएंगे, आपको सेलेक्ट करना है बस. फिर पैन नंबर आपको डालना है. हैव यू फिल्ड फाइनेंशियल ईयर ITR, मतलब आपकी जो ITR returns के जो ये डिटेल्स है आप जानते हो बेहतर, तो वो येस नो जो भी डालना है. फिर GSTN नंबर डालना है आपका. आगे चल के देखते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, द नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर आपको जो पैन कार्ड का नंबर है, नेम है आपका, वो डालना है. फिर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, नेम ऑफ एंटरप्राइजेस आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर लोकेशन ऑफ द प्लांट, ये सारी चीजें वहां पे फिल इन करनी है, वेरी सिंपल. ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज एंड देन प्रीवियस रजिस्ट्रेशन इफ एनी, अगर आपकी प्रीवियस कोई रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैंने बोला आपको उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन है, तो अगर आप है तो वो डाल सकते हैं आप. फिर आगे चल के देखते हैं कि स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब रजिस्ट्रेशन हुआ आपके एंटरप्राइज का. फिर वेदर द प्रोडक्शन कमेंस, कब आपका स्टार्ट हुआ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सारी डिटेल्स. बैंक की डिटेल्स, जैसे बैंक क्या, बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर. देन इट इज लाइक मेजर एक्टिविटी ऑफ द यूनिट, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हो या सर्विस में आते हो, ये चीज आप बोल सकते हो. फिर NIC मेजर जो, या फिर थोड़ी सी दिक्कत जो आती है हमारे मेंबर्स को, वो NIC कोड को सेलेक्ट करने में आती है. इसलिए हमने क्या किया कि हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश की है कैसे सेलेक्ट कर सकते हो NIC कोड. ये जो है मैन्युफैक्चरर ज्वेलर्स का हमने लिया है NIC कोड, वैसे ही सर्विस सेक्टर का कुछ अलग होगा. प्लीज इस नंबर पे ना जाए कि मैंने यहाँ पे 32 सेलेक्ट किया तो आपको 32 ही सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है. ऐसा है कि जो आप सेलेक्ट करोगे, और पहले ही मैं बता दूं कि हमारे सेक्टर के लिए NIC कोड कोई फिक्स गवर्नमेंट ने किया नहीं है. तो हमको बेसिकली उद्योग आधार में भी यही था कि आप लोगों को अदर्स में जाके, फिर जाके मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, जो भी सर्विस सेक्टर जो भी है वो सेलेक्ट करना पड़ता था. तो यहाँ पे भी आपको वही चीज करनी है कि अगर लाइक इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, देन ज्वेलरी इंडस्ट्री रिलेटेड, फिर मैन्युफैक्चरर ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारी चीजें ये इसमें NIC में आती है. तो ये अगर स्टेप कंप्लीट कर दो आप, तो ऐसा है कि नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड, कितने लोग आपके बिजनेस में एम्प्लॉयड है, मेल फीमेल जो भी है टोटल आप बता दो. फिर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फिर टर्नओवर जो है आपका. इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पे मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगी कि ये जो है ये आपकी मशीनरी एंड जो भी लाइक आपका जो जितना भी मशीनरी या फिर जो भी है लाइक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्कैनर या जो भी है, जितने भी जेरोक्स मशीन है, तो इन सारे का इन्वेस्टमेंट वैल्यू. तो एक्सक्लूडिंग द लैंड वैल्यू, प्लीज डोंट इंक्लूड द लैंड वैल्यू इन दिस, इट इज प्योरली एंड प्योरली ओनली प्लांट एंड मशीनरी. फिर आता है टर्नओवर, जैसे कि मैंने बताया आपका टर्नओवर जो भी है डिटेल्स करेक्टली आप डाल दो. आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन अ गवर्नमेंट्स ई मार्केट पोर्टल, ये जो है गवर्नमेंट ने जन पोर्टल करके एक नया जो है, वैसे तो
काफी देर हो दिन हो गया है इसको, तो ये लॉन्च किया है। ये ई मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर ये क्राइटेरियास रखे हैं और अपने एमएसएमएस के लिए यहाँ पे यू नो सेलिंग और बाइंग के लिए अच्छे प्रावधान रखे हैं। तो आप लोग यहाँ पे जरूर जाके जुड़ सकते हो, बहुत ही अच्छा मार्केट प्लेस है। तो लाइक यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर, गो टू द वेबसाइट। इन केस इफ यू वॉन्ट एनी डिटेल्स प्लीज कम बैक टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू। देन जो होता है ये क्रैड्स पोर्टल, अगर आपको येस नो इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड, ये भी आप डाल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ये जो है जिला उद्योग केंद्र होता है जो आपके एरियाज में है, मोस्टली जो हर सिटी में जिला उद्योग केंद्र होता है, एक होते हैं, दो होते हैं, वेयर विच एवर इज द नियरेस्ट, आप वहाँ पे वो वाला एड्रेस आपको डालना है। इसके जब ये सारा इंफॉर्मेशन आप डालते हो तो आपको सबमिट करना है फाइनल ओटीपी डाल के। जब अभी रिसेंटली तो सबको सर्टिफिकेट्स आना शुरू हुआ है, लेकिन इसके पहले क्या होता था कि थैंक यू, मतलब सर्टिफिकेट्स आने के पहले थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, और रजिस्ट्रेशन उद्यम नंबर इज उद्यम एमएच करके ये आ जाता था। एंड देन ऑन वेरिफिकेशन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस योर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड, ऐसे करके मैसेज आता था, सिर्फ उद्यम नंबर आता था जिनका ऑलरेडी मतलब प्रोसेस कर रहा है। क्योंकि क्या है ये जो है ना, ये काफी टेक्निकली इन लोगों ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने टू अवॉइड द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इन लोगों ने सारी मैपिंग लाइक ITR एंड GSTN एंड PAN ये सारी चीजें मैप करके रखी है। तो क्या होता है कि अगर आप डालते भी हो इन्फॉर्मेशन, इमीडिएटली वो वेरीफाई नहीं होती अनलेस यू हैव ऑलरेडी यू नो उद्योग आधार जिनका है भी, और वो लोग डाल भी रहे, तभी भी थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद आपको ईमेल आएगा कि इस लिंक पे आप क्लिक करो, आपके ITR GST रिटर्न्स एक्सपोर्ट फिगर्स डालिए आप, फिर जाके आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो है ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप प्लीज देख लीजिए। एंड देन टू टेल यू दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर टू यू नो टू हेल्प यू आउट फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन जो भी है, एंड DIC जैसे मैंने बताया और MSME DI। ये मैंने मुंबई के एड्रेसेस डाले हैं, लेकिन हर सिटी के अलग अलग होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग MSME DI होते हैं। तो प्लीज लाइक यू नो 40 या 50 जितने MSME DI है, देर आर डिफरेंट, सो फॉर योर स्टेट यू हैव टू लोकेट आप कौन से स्टेट में हो। तो उद्यम के जो है रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स जो है वो काफी सारे हैं MSME के, जैसे इजी लोन्स आपको मिल सकते हैं, लोन्स विदाउट गारंटी, कोलैटरल फ्री लोन्स मिल सकते हैं, लोन्स एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स मिल सकते हैं, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट इन फॉरेन एग्जीबिशंस, जैसे अगर आप एग्जीबिशंस के लिए बाहर जाते हो, बायोसिलम मीट्स के लिए जाते हो, तो ग्रांट्स मिल सकते हैं। देन और एक चीज अच्छी है कि जैसे हमारे छोटे कारीगर है या फिर छोटे उद्योगपति है जो पहली बार करंट बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो ये इट्स इजीली एक्सेप्टेबल फॉर बैंक्स कि आप MSME हो, ये एक प्रूफ है आपके लिए कि ये यू आर अ MSME। इसके अलावा जो पांडे सर ने बताया आपको कि परिचय कार्ड भी इज एन हेल्पफुल टूल फॉर यू टू प्रूव योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि यू आर अ कारीगर और यू नो ऐसे। तो लाइक दिस आर अच्छा माध्यम है ये। फिर टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट माइक्रो बिजनेस लोन्स, जैसे कि आप बताया मैंने कि छोटे बिजनेस लोन्स जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो है उसके अंतर्गत आपको मिल सकते हैं छोटे उद्योगपतियों के लिए लोन्स। एंड देन मशीनरी बेनिफिट्स के लिए जैसे कि क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, उसके थ्रू आपको 15% तक की छूट मशीनरी के ऊपर मिल सकती है। इजी लोन्स, लोन्स विदाउट गारंटी जैसे मैंने आपको बताया, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम जिसके अंदर आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, सरकार ने अभी नया प्रावधान है वो 20% बढ़ा के वो उसके ऊपर लिमिट बढ़ा दी है। तो एंड देन लोन्स एट सब्सिडाइज रेट, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन हुआ जहाँ पे आपको 3-5% फॉर अ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस इंडस्ट्री, फॉर डोमेस्टिक मार्केट 2%, ऐसे सारे प्रावधान रखे हैं। एंड मैं जानती हूँ थोड़े डिबेटेबल टॉपिक्स है, लोग बोलते हैं हमको मिलता नहीं है लोन, मैं आगे हुआ
तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों नहीं मिलते हो और कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं, प्रयास करना बहुत जरूरी है। और आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत मायने रखता है जब आप जाते हो। तो मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जो लोग आए थे एंड भोपाल से केस आया था एंड यू नो आई वुड नॉट मेंशन बट यू नो देर आर लाइक केसेस वेयर पीपल हैव रिसीव्ड, लोगों को मिला है लोन। तो वो आगे ना जाते हुए सर को मैं ये करूंगी। फिर जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये एक स्कीम के अंतर्गत अपने यूनिट को अच्छी तरह से आप डेवलप कर सकते हो, जो आपका वेस्टेज है फिर आपकी वो कम कर सकते हो, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी। तो इसमें जो है 80% तक गवर्नमेंट जो है फंड्स देती है और बाकी जो है 20% आपको देना है। और वो भी अगर आपका 10 लोगों का ग्रुप में अगर आप ये चीज करते हो, और ये ग्रुप में ही करने वाली स्कीम है, तो अगर 10 लोगों के बीच अगर 20% का अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप सोचिए आपके लिए कितना फायदेमंद है ये। मतलब 2% के आसपास आपको असल भरना है, 80% गवर्नमेंट देती है। और इसके ऊपर में हम आगे चल के सेमिनार्स करेंगे और इन अब क्योंकि एक एक स्कीम के ऊपर अगर हम बात करने जाए तो आधा घंटा लगेगा। तो लेट मी फिनिश अप दिस थिंग। फिर ये जो है टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सीएफसी के लिए भी अच्छे प्रावधान है, अच्छा आपके लिए जिनके लिए मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग, तो और अच्छी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड क्लस्टर्स के माध्यम से या फिर सीएफसी के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो एमएसएमईस के लिए अगर आप, ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट एप्लीकेशन, जो भी आप अगर नया कुछ आविष्कार करते हो उसके लिए 80% पेटेंट कराते हो तो वो रीइंबर्समेंट होता है। आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए 75% गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। और टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे लाइक एग्जेम्पशन, एक्साइज एग्जेम्पशन, सेल्स टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स लॉ। फिर जैसे लाइक डिलीट पेमेंट इश्यूज है उसके लिए भी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है एमएसएमईस के लिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कंसेशंस मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रिजर्वेशंस फॉर अदर पॉलिसीज भी है। इससे ज्यादा मैं ना जाते हुए क्योंकि समय का अभाव है सर को मैं हैंड ओवर करूंगी। थैंक यू वेरी मच सर। आर यू देयर? हेलो, हां मैं हूं यहां पे। हां सर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप, मैं स्टॉप करती हूं ना प्रेजेंटेशन। कुछ क्वेश्चंस आए होंगे लोगों के, तो आप एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर उनके आंसर जो है आप दे दीजिए उनको, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक। ओके, वी आर नाउ क्लासिफाइड एज एमएसएमई कंपनी एज पर रीसेंट अनाउंसमेंट चेंजेस इन डेफिनेशन बाय गवर्नमेंट। ओके, वेरी गुड, यू आर रजिस्टर्ड, दैट इज नाइस। One of the major benefit is we can get interest subvention. We have requested banks as well to check our eligibility, but as per banks, they are still awaiting internal and RBI notification for the same to pass on benefit. It's been a month now, so we request GJPC to look into so that our all sectors newly converted MSME can avail the benefits at the earliest. So मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये already government ने लागू कर दिया है और ये interest subvention जो है वो already है। ऐसी कोई ये नहीं है कि ये चीज बंद हुई है या फिर नहीं चालू है। तो देखिए ये चीजें काफी हमारे पास क्वेरीज आती है। और मैं आपको बता दूं कि आपको सर्कुलर जो है जो हमारे पास ऑलरेडी, आप मुझसे बात करिए सेमिनार के बाद, मैं आपको समझा दूंगी। क्योंकि ये जो इसके सर्कुलर्स भी है और ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि बंद हुआ है या फिर यू नो नहीं चल रहा है। तो ये इसके बारे में मैं यही बोलूंगी कि जीजेपीसी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू गाइस। हमारा सपोर्ट आपके लिए है, तो डेफिनेटली आप हमसे बात करिए उसके बारे में। जब आप कॉल करेंगे मैं आपको समझा दूंगी कि क्या सर्कुलर्स है। आई ऑल्सो शेयर द डिटेल्स विद यू, व्हाट डज एन इन्वेस्टमेंट मीन, whether it is our plant and machinery or our inventory. Dekhiye, a plant and machinery, it is not inventory, it's a plant and machinery only. तो जो भी आपका ये है मशीनरी का जो भी है इन्वेस्टमेंट वो, तो क्लियरली स्पेसिफाई करके लिखा है वहां पे प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग लैंड करके। वुड यू शेयर द प्रेजेंटेशन आफ्टर दिस?
session. Sure, but it all depends on how our JJPC जो भी protocols है उसके हिसाब से अगर मुझे share करना है नहीं करना है, I will stick to our JJPC protocols. If I need to share, I will share. बट जो भी हम डिटेल्स देंगे सर आपको, लिखित डिटेल्स देंगे वो काफी होंगे, इससे ज्यादा प्रेजेंटेशन से ज्यादा मैं आपको अच्छी तरह आपको समझा पाऊंगी जब आप कॉल करोगे. तो आपको आई डोंट थिंक आपको प्रेजेंटेशन की इतनी जरूरत भी पड़ेगी जितने मैं डिटेल्स दूंगी. हमारे वेबसाइट पे भी सारी कुछ चीजें हैं, लेकिन वर्ड बाय वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी. नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. आई हैव अ शोरूम इन इन होलसेल ज्वेलरी मार्केट सेक्टर. नहीं वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, मनाली वो रेलेवेंट नहीं है. ऑलरेडी ऑलरेडी हैव एमएसएमई व्हेन वी अपडेटेड इन उद्यम बट डिडंट गेट एनी रिप्लाई हाउ टू फॉलो अप. देखिए आपने रजिस्टर किया है लेकिन ऐसा है कि जैसे ने बताया ये है हमारे आपके जो डिटेल्स होंगे वो मैप किए जाएंगे तो देखा जाएगा कि एग्जैक्टली आप जो भर रहे हो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं. वेरीफाई करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी लिंक के द्वारा कि आपको इसमें जो जो आपने वो वेरीफाई करेंगे जो जो आपने पहले भरा है डिटेल वो मैच करेंगे. वो आपको फिर से भरने बोलेंगे. तीन डिटेल्स जो होंगी, जीएसटी भरना होगा आपको डिटेल, आईटीआर रिटर्न्स भरने होंगे एंड योर एक्सपोर्ट जो है फिगर्स वो भर के आपको सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको जो है एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा. तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए या तो फिर आपको फिर भी लाइक थोड़ा डाउट है तो जैसे मैंने आपको बताया जिला उद्योग केंद्र दैट इज डीआईसी या फिर एमएसएमई डीआई जाके आप प्लीज यू नो इसके लिए इंक्वायर करें. क्योंकि इंटरनल अगर कोई है कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट टीम. Registered in UM, but when trying to registration in Udyam, but process is not happening. जी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे यहाँ जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में सर या मेरा भी लाइक आई एम लाइक गेटिंग किक्ड आउट ऑफ द वेबिनार या फिर वॉइस सुनाई दे रही है, ऐसी सारी चीजें हो रही है बिकॉज द लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग नेट एंड ऑल्सो द नेट एरिया इज नॉट sometimes you know that ये है prominent होता नहीं है तो net की वजह से काफी लोगों को problem आती है. तो मैं suggest करूंगी आप जो heavy traffic area होता है time होता है उस time पे ना register करके रात में करें या फिर शाम में करें जब लोग busy रहेंगे तो like थोड़ा सा network का problem नहीं आएगा. Changes any charges any fee? No charges at all. It's completely free. A trader who buy and sells the goods will be a service category. Yes, it will be a service category. Diamond dollar sales to be considered as export sales for calculating the export figure. देखिए ये debatable topic है. मैं इसके ऊपर yes no नहीं बोलूंगी. हमने representation डाला है government को कि please like इसको consider करिए. लेकिन फिर भी मैं बता दूं क्योंकि export sales है और आप foreign currency में आप earn करते हो तो you know it should be considered as an export turnover. But ये मेरा ओपिनियन है, ये गवर्नमेंट का ओपिनियन अलग हो सकता है. तो इट्स स्टिल वर्किंग आउट यू नो प्रोसेस में है तो मैं इसके ऊपर अभी कुछ यस नो नहीं कह पाऊंगी. तो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी. बैक टू सर नाउ क्योंकि आंसर सब मैंने कर दिए है. थैंक यू मनाली. थैंक यू आप सभी का. मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़े समय के लिए इंटरेक्शन की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा नेटवर्क के इशू से. मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा कि जीजेपीसी ने 1 अप्रैल से एक मेंबरशिप की नई स्कीम भी लॉन्च करी है और इस स्कीम के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे कंपनीज जिनके टर्नओवर बहुत कम है, जो छोटी कंपनीज है, वो भी काउंसिल की मेंबरशिप ले सके. तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक माइक्रो मेंबरशिप के नाम से हमने एक नई स्कीम लॉन्च करी है 1 अप्रैल 2020 से. जो भी कंपनी इस पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए अप्लाई करती है, जिसके लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई करती है, उनको मेंबरशिप के वो सारे बेनिफिट्स जो आगे इस वाले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा मिल सकता है, जो कि हमारे रेगुलर मेंबर्स को मिल रहा है. इसकी फीस, एंट्री फीस और एनुअल फीस मिला के मात्र 1000 रुपए है और इसकी केवल एक ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंतर्गत मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनका
टर्नओवर 40 लाख से कम होना चाहिए और वो जीएसटी के परव्यू में नहीं आते हो, उनका जीएसटी नंबर नहीं होना चाहिए और उनका टर्नओवर 40 लाख के अंदर होना चाहिए। ऐसे सारे व्यापारी जो हैं माइक्रो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हैं, और जो भी माइक्रो मेंबरशिप लेते हैं उनको जो है काउंसिल तमाम ऐसे फायदे, तमाम ऐसी चीजें जो अदर मेंबर्स के लिए, जैसे आईएजेस से पार्टिसिपेट करना हो उसके रास्ते उनको ओपन हो जाते हैं, आईएजेस सिग्नेचर जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट शो है, इस साल कोविड की वजह से थोड़ा शो के समय में परिवर्तन हुआ है। आप सब जानते होंगे कि जो आईएजेस शो हमारा अगस्त में हुआ करता था उस शो को हमने जनवरी के लिए एक्सटेंड कर दिया है। जब जनवरी के शेड्यूल्स स्टार्ट होंगे उसकी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि मोबाइल ऐप्स और इस तरह की सुविधाएं आप पहले से लेके रखें, जिससे शो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जब यहां से आपके पास भेजी जाए तत्काल आपको मिले और आप उसकी सर्विसेज, उसके बेनिफिट्स लेने वाले कतार में पहले नंबर पर पहुंच सके। तो मित्रों, आईजीएस प्रीमियर शो, आईजीएस सिग्नेचर शो जो हमारी मशीनरी का शो होता है, उसके लिए जैसे ही आप मेंबरशिप ले लेते हैं भले ही उसकी कीमत 1000 रुपीज है, क्योंकि वह छोटे व्यापारियों को ध्यान में रख करके इस चीज को फ्रेम किया गया है। जीजीपीसी का अपना खुद का एंडीवर है कि मैं छोटे से छोटे लोगों को काउंसिल से जोड़ूं और उनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, उनकी स्किल्स, उनकी तमाम चीजों को डेवलप करें और जो है उनको एक्सपोर्टर्स के रूप में हम कन्वर्ट करें। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जो है जो सरकार, जो काउंसिल की ये बेनिफिट्स नई स्कीम्स की आई है, आपकी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं या इस तरह के जो अदर भी आपकी जो कंपनीज हैं या जो आपके साथ व्यवसाय में अन्य लोग जुड़े हुए हैं, वहां तक इस संदेश को पहुंचाएं जिससे अधिक से अधिक लोग काउंसिल के इस नए मेंबरशिप स्कीम से जुड़ सके और इसका फायदा ले सके। मित्रों, इस 1000 की मेंबरशिप में आप जैसा कि जो डायमंड इंपोर्ट्स करते हैं, आप जानते हैं केपी फीस लगती है 1500 रुपए जो नॉन मेंबर्स हैं, अगर नॉन मेंबर काउंसिल की मेंबर बन जाते हैं तो उनको मात्र 500 रुपए की फीस लगेगी, तो 1/3 का उनका लगभग फायदा हो जाता है। तो इस तरह के जो फायदे काउंसिल आपको दे रही है, इसके अलावा जो भी काउंसिल के मेंबर्स होंगे, अगर आप विदेश के लिए जाते हैं तो आपके वीजा के लिए रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट, वीजा रिकमेंडेशन लेटर्स पर्टिकुलर एम्बेसीज को काउंसिल इशू करती है। आप किसी किसी विदेश में नए मार्केट के सर्च के लिए जाते हैं उसके लिए वीजा रिकमेंडेशन लेटर हम इशू करते हैं। आपको टर्नओवर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, बैंक या तमाम एजेंसियां आपसे पूछती हैं, वो टर्नओवर सर्टिफिकेट भी हम आपको डीजीपीसी आपको इशू करती है। तो आपके व्यापार से रिलेटेड ऐसी तमाम चीजें हैं जिसकी सुविधा आप काउंसिल की मेंबरशिप लेने के बाद में ले सकते हैं। दोस्तों, काउंसिल की लेबोरेटरीज हैं जो काउंसिल की मेंबर्स के लिए डिस्काउंटेड रेट पे, डिस्काउंटेड फीस पे आपके जेम्स की टेस्टिंग करती हैं। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि इस तरह की जो सुविधाएं जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, वो काउंसिल्स के वेबसाइट पे भी सारी सुविधाएं हमने मेंबरशिप के कॉलम में डिस्प्ले करके रखी हुई है। थोड़ा सा समय निकाल के आप www.gjepc.org पे विजिट करें और मेंबरशिप एमएसएमई सेक्शंस में आप जाएं। एमएसएमई सेक्शंस में जाने के बाद में आपको भारत सरकार की तमाम स्कीम्स, उसको कैसे उस स्कीम्स के फायदे लेने हैं उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, किस ऑफिस को अप्रोच करना है उस ऑफिस के एड्रेसेस आपको मिलेंगे, उनके ईमेल आईडीज मिलेंगे, कॉन्टेक्ट पर्सन के नाम मिलेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इस जो दो वेबसाइट्स के जो हेडिंग्स हैं हमारे मेंबरशिप और एमएसएमई, उस पर रेगुलर थोड़ा सा समय उसमें व्यतीत करें, वो आपके व्यापार के लिए काफी लाभदायक होगा। दोस्तों, जो भी मेंबर्स बनते हैं ईसीजीसी के लिए, जो इंश्योरेंस कवरेज के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक लेटर की जरूरत होती है जिसको काउंसिल अपने मेंबर्स के लिए इशू करती है। एक्सपोर्टर्स के लिए गोल्ड रेट काउंसिल फ्री में इशू करती है। हमारे तमाम पब्लिकेशंस हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में पब्लिश होते हैं, वो मेंबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत ही नॉमिनल फीस में काउंसिल्स की तमाम सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और इन लाभों के द्वारा आज ऐसा युग है, एक ऐसा समय है, आपने कोविड के समय में देखा है कि सारी चीजें टेक्नोलॉजी से ड्राइव हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो गई हैं। तमाम चीजें जो है कल तक जो मैनुअली हुआ करती थी वो सारी चीजें टेक्नोलॉजी के द्वारा चल रही हैं। आने वाले कुछ ही महीनों के अंतर्गत काउंसिल की तमाम एक्टिविटीज जो है डिजिटलाइज हो जाएगी। तमाम एक्टिविटीज के लिए आपको डिजिटल मोड से ही हमको अप्रोच करना होगा। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने आप को आने वाले समय के अनुसार अपने आप को इक्विप करें और नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ें और जो काउंसिल की तमाम स्कीम, जो बेनिफिट, जो फायदे हैं उसको आप लें, अपने व्यापार को बढ़ाएं, अपने उद्योग को बढ़ाएं और आप जो है देश के एक्सपोर्ट्स में अपने डोमेस्टिक व्यापार से आगे निकल के एक्सपोर्ट की तरफ अग्रसर हों।
हम देश विदेश में तमाम तरह के इंटरनेशनल शोज में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको बताते हुए मुझे खुशी है, और मैं आप सबका ध्यान इस पे विशेष रूप से चाहूंगा कि जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कंटिन्यूअस एफर्ट्स के कारण मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने आपके 9 एग्जीबिशन जो विदेशों में होते हैं, जो बड़े सो विदेशों में 9 ऐसे एग्जीबिशन हैं जिसको एमएसएमई ने इनपैनल किया है, अगर उस शो में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जाने आने का खर्चा, स्टॉल रेंटल, आपके होटल स्टे के चार्जेस, ये तमाम चीजें जो है भारत सरकार आपको रिफंड करती है। 900 जो है वो भी उनकी भी लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको ढूंढने में कोई परेशानी हो आप हमें मेल करें, हमारे कॉल सेंटर से नंबर्स मैंने आपको पहले शेयर किए हैं, आप टिकट जनरेट करें, वहां पे आपको ये सारी जानकारी वहां से उपलब्ध हो जाएगी। तो जो भी पोटेंशियल शो है उनको हमने आपके फायदे के लिए ही इनलिस्ट कराया हुआ है। डीजेईपीसी का अपना खुद का प्रयास था, लगातार कई महीनों तक प्रयास के बाद में एमएसएमई मिनिस्ट्री ने इस साल जो है दो ढाई महीने पहले हमारे 9 शोज जो दुनिया के एग्जीबिशन है, जो पोटेंशियल एग्जीबिशन है जिसमें जेम एंड ज्वेलरी का कोई भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक होता है, और उसमें लगभग 3.5 लाख रुपए तक की आपको राशि रिफंड हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप अपने आप को इक्विप्ड रखें, उसकी जानकारी आपके पास में रहे, उस शो के बारे में आप जाने। कोविड की वजह से कुछ शो पोस्टपोन हो गए हैं लेकिन कुछ शो आगामी महीनों में होने के रास्ते पे हैं, तो उन सारे शोज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें और उन सुविधाओं का आप लाभ लें। मित्रों, आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर यहां पे आए हुए हैं, मैं उनके भी आंसर देने का प्रयास करूंगा, और यहां पे मैं अपने प्रेजेंटेशंस को समाप्त करते हुए अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर पे जाता हूं और एक एक करके आपके प्रश्नों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। मिनाली, आप सुन रही मेरी आवाज को? हाँ, मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ मैं। तो जो प्रश्न इनके है एमएसएमई रिलेटेड उसको आप आंसर करिए। इफ एक्सपोर्ट टर्नओवर इज नॉट काउंटेड इन डिटरमाइनिंग एमएसएमई स्टेटस, दैट हाउ कैन इट बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स? जी देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट नहीं हो रहा है। काउंट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि अगर आपका, देखिए जैसे मैंने बताया 500 करोड़ है आपका, और अगर आपका टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर अगर 300 करोड़ है और अगर डोमेस्टिक 200 करोड़ है, तो देखिए दैट 300 करोड़ जो आपका टर्नओवर है वो मायने नहीं रखेगा जो क्लासिफिकेशन होगा उसके लिए, तो आप एमएसएमई में आओगे। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट होता तो आपका लाइक टर्नओवर होगा, एनुअल टर्नओवर होगा 500, मतलब इसके इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है 250 के ऊपर जा रहा है, कैप के ऊपर जा रहे हो आप, तो आप एमएसएमई नहीं कहलाओगे। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू नो एक्सपोर्ट टर्नओवर इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट जो है, विच पैन नंबर, एक मिनट मैं नहीं, आप चैट में देख रही हो क्या? आप क्वेश्चन आंसर में देखो। क्वेश्चन आंसर्स में भी देखा मैंने, काफी मैंने आंसर किए हैं, चैट में भी कुछ है। सबको निवेदन है प्लीज आप क्वेश्चन आंसर्स में ही डालिए ताकि ये होगा, इट विल बी क्लियर। ओके, वन क्वेश्चन इज, टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर इज हाई, टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर इज हाई बट करंट ईयर प्रोजेक्शन इज लोअर एंड विद इन एमएसएमई लिमिट ऑफ 250 क्रॉस, कैन वी अप्लाई फॉर एमएसएमई बेस्ड ऑन करंट ईयर प्रोजेक्शन? आई थिंक आपका जो पिछले साल का जो होगा वही ये होगा, मतलब काउंट होगा, जो भी देखा जाएगा प्रीवियस ईयर को लेके वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप एक स्लॉट में हो, समझिए आप मीडियम के स्लॉट में हो, और आपका और एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपका बढ़ गया है टर्नओवर या फिर जो भी है वो बढ़ गया है, तो आपको लाइक यू नो वो नेक्स्ट स्लॉट में डालेंगे। लेकिन अगर आपका कम हुआ है तो आप माइक्रो में नहीं ट्रांसफर हो पाओगे, आप हो वहीं पे रहोगे। तो पिछले साल का वो काउंट करते हैं मोस्टली। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू चेंज फ्रॉम उद्योग आधार टू न्यू एमएसएमई उद्यम आधार? जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो है 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड है,
मतलब इस कमिंग साल के 31 मार्च तक तो उद्योग आधार उसके बाद लागू नहीं होगा, तो जो भी है आपको लाइक स्टार्ट योर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन नाउ ऑनवर्ड्स. प्लीज शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू हैव स्पेसिफिक क्वेरीज. देखिए मैंने शेयर किए हैं आपसे डिटेल्स. मैम हुज पैन हैज टू बी फिल फॉर्म और आधार पर्सन. देखिए आपका ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी है फॉर्म का अगर है, और आपके सारे ITR returns जिसके थ्रू जाते हैं, जो डिटेल्स जाते हैं वो लाइक ऑथराइज सिग्नेटरी का पैन डिटेल्स आपका ये करना होगा. तो एन ओल्ड एंटिटी रजिस्टर्ड, ओल्ड एंटिटी रजिस्टर्ड नाउ अंडर MSME, विल इट बी एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर? देखिए आप ट्राई तो कर सकते हो, पूछ तो जरूर सकते हो, बिकॉज है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर है, लेकिन आपको MSME DI जाके उसका कंफर्मेशन लेना होगा कि हम किस माध्यम से जाए इसके लिए. तो दे आर द राइट पीपल टू गाइड यू ऑन दिस. तो अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट डज एन इन्वेस्टमेंट मीन वेदर इट इज, ये मैंने आंसर कर दिया है. एनी फीस उद्यम रजिस्ट्रेशन उसका जीरो है, बता दीजिए. टर्नओवर फॉर प्रीवियस इयर्स आई, ओके. मैम उस पैन वी आर नाउ क्लासिफाइड, मुझे लगता है प्रश्न आपके, मुझे लगता है इसमें सारे प्रश्न कवर हो चुके ना आपके. हां कवर हो गया सर आपका. हां बिकॉज़ अगर ज्यादा होता तो मैं MSME स्कीम्स के बारे में भी बता देती, लेकिन आप देख लीजिए अभी लाइक. मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे कॉल सेंटर का नंबर मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, आप वहां पे टिकट जनरेट करें, आपकी जो भी क्वेरी है आप भेजेंगे, हम आपको इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि अपनी हमारी ये समय सीमा जो है अब समाप्त हो चुकी है. तो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए इस आज के इस वेबिनार को हम समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच. फिर से हम 15 डेज के बाद में इस तरह के वेबिनार में आपको मिलेंगे. अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पे उसे तैयार रखें और हम आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बंद कर दो. हाँ सर. हाँ सर. रिकॉर्डिंग स्टॉप करी नहीं, वो होएगा अपने अपने आप सुन.